रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई। अक्सर जब भी हम घर में चावल बनाते हैं तो चावल बच ही जाते हैं, उन्हें हम फ्राई करके खाते हैं या उन्हें हम फेंक देते हैं। पर आज मैं आपको उन्हीं बचे हुए चावलों से एक अच्छा सा नाश्ता बनाकर दिखाऊंगी। उसके बाद फिर आप उन बचे हुए चावलों को फ्राई नहीं करेंगे, उन्हें फेंकेंगे नहीं, इसी नाश्ते को आप बार बार बनाकर खाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार नाश्ते को बनाना। बचे हुए चावलों से नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर रात के बचे हुए 2 कप चावल ले रखे हैं। चावल को देखिए, मैंने इस तरह से थोड़ा सा मैश कर लिया है हाथों से। आप चाहें तो चावल को फ्रेश बनाकर भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये बचे हुए चावल ले रखे हैं। इसके बाद हमें ये आलू चाहिए। यहाँ पर मैंने ये 2 आलू ले रखे थे। आलू को मैंने बॉयल करके उसे इस तरह से मैश कर लिया है। अब मैं चावल में ऐड करूंगी आलू को। आलू को मैंने बॉयल करके इसको गर्म ही मैश कर लिया था। आप चाहें तो इसे कद्दूकस में भी ग्रेट कर सकते हैं। मैंने आलू को यहाँ पर मैश करके डाला है, लेकिन आप इसे ठंडा होने के बाद मैश मत करिएगा क्योंकि इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। आप इसे कद्दूकस में ग्रेट करिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वाइट सॉल्ट, नमक आपके स्वादानुसार रहेगा, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स हाथों की हेल्प से। इस तरह से हमें इसे आटे की तरह गूंथते हुए एकदम चिकना डो तैयार करना है। आप चाहें तो चावल को मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको हाथों से ही मैश कर रही हूँ। हमें इसे एकदम चिकना आटे की तरह गूंथना है। और ये देखिए, मैंने इसे गूंथ लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको और चिकना करेंगे। इसको हम इस तरह से देखिए, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे हम गूंथते हुए एकदम चिकना गूंथ लेंगे। इस तरह से देखिए, हम पंच की हेल्प से इस तरह से हम इसे गूंथेंगे तभी एकदम चिकना हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने इसे गूंथते हुए एकदम आटे की तरह चिकना कर लिया है। अभी मैं इसे रखूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, फिर हम इसका नाश्ता बनाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ये जो थाली है, थाली को हम तेल से या घी से हम ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसे तेल से ग्रीस कर रही हूँ, इस तरह से ब्रश से। आप चाहें तो ये काम हाथ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रश का यूज कर रही हूँ। थाली में तेल लगाने से हमारी जो बॉल्स हैं थाली में चिपकेंगी नहीं। अब हम अपने हाथों में तेल को अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब हम ये लोई लेंगे एक छोटी सी, जिस तरह से हम पूड़ी के लिए लोई लेते हैं उसी तरह से हम ये लोई लेंगे। और हमें इसे एक बॉल्स बनानी है इस तरह से। देखिए, इसे हम हथेली के बीच में रख कर इस तरह से इसे हम राउंड शेप देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ, बॉल्स की तरह बना रही हूँ। और ये देखिए, मैंने इसे एकदम चिकना बॉल्स की तरह बना लिया है। बहुत ही खूबसूरत बॉल बनी है। अब इसे हम थाली में रखते हैं। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, हम एक और लोई लेंगे, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और लोई लेंगे हाथों में। अब इसे भी हम सेम प्रोसेस से हथेली के बीच में रख कर इसे हम घुमाते हुए राउंड शेप देंगे। और ये देखिए, हमारी ये बॉल्स भी बन के तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी खूबसूरत बॉल बनी है। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स का साइज़ आप अपने अनुसार रखिएगा, छोटा बड़ा। और ये देखिए, मैंने लगभग सारी बॉल्स बना ली हैं। थोड़ी सी और बची हैं, उन्हें भी हम बना लेते हैं। और ये देखिए, हमने अपनी सारी बॉल्स बना ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब हमने जो बॉल्स बनाकर रखी हुई है उन्हें हमें भाप में पकाना है। उसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी को रख दिया था गर्म होने के लिए पहले से ही, और उसके ऊपर मैंने ये स्टैंड रख दिया है। आप कोई भी जाली रख सकते हैं। अगर आपके पास जाली या स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी रख दीजिए, उसके ऊपर ये थाली रख दीजिए। इस तरह से हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमारे चावल भी पके हुए हैं और आलू भी पके हुए हैं। तो हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए भाप में पकाएँगे और इसको हम किसी ढक्कन से हम कवर कर देंगे। फिर इसे हम 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। और इसे हम ढक दे रहे हैं, देखिए, 5 मिनट के लिए पकने के लिए। 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करते हैं।
5 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए हमारी बॉल्स जो हैं बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं और ये साइज़ में भी थोड़ा बड़ी हो चुकी हैं। इन्हें पकाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि हमारे आलू और चावल दोनों पहले से ही पके हुए थे। अब इन्हें हम कढ़ाई से अलग कर लेते हैं थाली को हटाकर। और ये देखिए हमें ये काम बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि हमारी थाली अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम इसे बहुत सावधानी से हटाएंगे। फिर इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे कुछ खास मसालों के साथ इसे हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए सारी बॉल्स ठंडी हो चुकी हैं, अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं इसको फ्राई करने के लिए। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल को अभी हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्लैक राई यानी काली सरसों। सरसों को अभी हम चटकने देंगे। सरसों देखिए हमारी हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी पत्ते। यहाँ पर मैंने 10-15 से करी पत्ते ले रखे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। 2 रफली चौकी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने इसमें। और ये 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल ले रखी है। अगर आपके पास वाइट तिल नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, बिना तिल के भी ये नाश्ता बन जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। 1/2 टेबल स्पून ड्राई मैंगो पाउडर। 1/2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें वाइट सॉल्ट। नमक आपके स्वादानुसार रहेगा। अब हम इन सारे मसालों को चलाते हुए चम्मच से 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हमें इसका कच्चापन ख़त्म करना है। इस तरह से देखिए हम इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। सारे मसालों को रोस्ट करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ ये बॉल्स जो हमने बना कर रखी हुई हैं। अब हम सारी बॉल्स पर मसालों को अच्छे से कोट कर देंगे। हमें इसे चम्मच से ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो हमारी बॉल्स टूट सकती हैं। हम इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे चम्मच से। आप चाहें तो इसे बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे हिलाते हुए अच्छे से सारे मसालों को कोट कर देंगे। और ये देखिए जो इस पर सफ़ेद तिल पड़ा हुआ है, इससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। और मैंने सारे मसालों को अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये हमारा चावल से बना नाश्ता बनके तैयार हो गया है खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये रात के बचे हुए चावल से बना है। ये देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इस तरह से इस नाश्ते को घर में बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।